नमस्कार, वेलकम टू मिसेस श्रीतामास किचन। आज मैं बहुत ही एक खास स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ, जिसे इंडिया में आपको हर जगह नहीं मिलेगा। उसका नाम है अमृतसरी कुलचा। ये एक बहुत ही स्पेशल एक्सक्लूसिव पंजाबी डिश है, बहुत ही ऑथेंटिक ये डिश है। एंड इसको मैं बनाऊँगी विदाउट तंदूर, ऑन तावा। इसे आप अमृतसरी मसाला कुलचा और अमृतसरी आलू कुलचा भी कह सकते हैं। इसको मैं बनाऊंगी एकदम ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल में। तो प्लीज़ प्लीज़ इसको देखिए फुल वीडियो एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आज के रेसिपी शुरू करते हैं अमृतसरी कुलचा। के रेसिपी अमृतसरी आलू कुलचा बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर और मैदे, 2 मीडियम साइज बॉइल्ड एंड स्मैश्ड पोटैटो, थोड़े से कसूरी मेथी, थोड़े से लिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, 2 बिग टेबल स्पून कर्ड और योगर्ट, बटर लिया है, ऑयल लिया है वेजिटेबल ऑयल 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। मसाला में है थोड़े से काली जीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लिया है एक स्पेशल मसाला फॉर कुलचा। ये मसाला है ड्राई रोस्टेड क्यूमिन, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर एंड होल स्पाइसेस गरम मसाला। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। स्पेशल मसाला ऑप्शनल है। 1 टी स्पून लिया है कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून लिया है शुगर, थोड़े से लिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून लिया है आमचूर और ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है घिसा हुआ अदरक। एट फर्स्ट मैं मैदे में देती हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, थोड़े से काली जीरा, थोड़े से कसूरी मेथी, बहुत ही टेस्ट ये देगा, थोड़े से सॉल्ट टू टेस्ट एंड थोड़े से शुगर फॉर टेस्ट, थोड़े से ऑयल दे दिया। अभी इसको थोड़े पानी दे दिया इसमें एंड इसको मिक्स करेंगे एक सॉफ्ट एंड फ्लफी डो बनाना है फॉर कुलचा। एंड इसके लिए आपको 15 मिनट्स इसको हाथों के पाम से इसको अच्छे से गूंदना चाहिए। जितने अच्छे आप ये मैदे गूंदेंगे उतने अच्छे कुलचे हमारे सॉफ्ट होंगे। थोड़े थोड़े करके पानी दीजिए, पानी बहुत सारे नहीं देना चाहिए। थोड़े गूंदने के बाद मैं इसमें अभी दे देती हूँ दही को। फाइव मिनट्स के बाद मैं इसमें दे देती हूँ थोड़े से बटर फॉर एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस। अभी इसको और 10 मिनट्स अच्छे से गूंदना है। पानी आप अगर गुनगुने पानी और ल्यूकॉर्म वाटर यूज करें तो कुलचे का डो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी होंगे। इट्स बिन 15 मिनट्स एंड ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं 15 मिनट्स तक इसको बहुत ही अच्छे से मैंने गूंदा है। अभी इसको एक डैम्प और वेट क्लॉथ से इसको ढक देती हूँ।
एंड अभी इसको 2 घंटे ऐसे ही छोड़ना है। आपके पास टाइम अगर कम है तो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं। अभी मैं हमारे आलू मिक्सचर को तैयार कर लेती हूँ। देना है 1 टीस्पून अदरक, ग्रीन चिलीज, जितना भी तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से दीजिए, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, आमचूर पाउडर और ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून दे दिया लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट थोड़े से। हमें याद रखना चाहिए कि डो में भी सॉल्ट है। स्पेशल मसाला देना है 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते हैं तो ना भी दे सकते हैं। मैंने दिया फॉर एक्स्ट्रा टेस्ट एंड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अभी इन सभी को बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना चाहिए। इट्स बीन 2 आवर्स, सो मैं ओपन किया, ये देखिए हमारे मिक्सचर एकदम बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम हो गया है। एक बार हाथों से गूंद लेती हूँ। अभी मैं इसको स्टफिंग्स भर के बेलूँगी। अभी मैदे से लुया तैयार करूँगी। इसी साइज में एक लुया ले लेती हूँ एंड इसमें अभी मैं भरूँगी हमारे आलू का पूर। ये आलू का पूर ढाबे में बहुत ही ज़्यादा देते हैं, माने जितने क्वांटिटी डो बनाते हैं उतने क्वांटिटी में ये पूर भी होना चाहिए। पूर में थोड़े से मैदे हाथों में लगा लीजिए तो इसमें ये जो मिक्सचर एकदम इंटैक्ट रहेगा। एंड थोड़े से स्प्रेड करके, ये देखिए थोड़े से स्प्रेड करके ये पूर को भर दूंगी। अगर पूर निकल जाए तो कोई बात नहीं, बट ध्यान में रखना होगा कि पूर को निकलने नहीं चाहिए। ये देखिए हमारे पूर एकदम रेडी। अभी मैं इसमें थोड़े से सूखे मैदे ग्रीस कर लेती हूँ एंड इसको हाथों से ऐसी तरह से हाथों से हर जगह फैल देना चाहिए, जितने की ये स्टफिंग्स हर जगह इक्वल पोर्शन में चला जाए, ये हाथों से आपको करना चाहिए। बेलते वक्त ध्यान में रखिए कि स्टफिंग्स को बाहर नहीं आना चाहिए। अभी इसको मैं बेल रही हूँ। आपके मनपसंद शेप में आप ये बेल सकते हैं, पर याद में रखिए कि कुलचा थोड़े हम मोटे खाना पसंद करते हैं, ढाबे में हम मोटे खाने पसंद करते हैं, तो इसलिए थोड़े मोटे बेलना चाहिए एंड मनपसंद शेप से आप बेल लीजिए। ये मैं इसको राउंड शेप में बेलूँगी। ये राउंड शेप में एक हो गए हैं एंड इसको मैं रखूँगी एंड दूसरे तैयार करूँगी इसी तरह से। और एक लुया लेती हूँ एंड इसको स्प्रेड करके इसमें स्टफिंग्स को भरना है अच्छे से। स्टफिंग्स हाथों में ले लिया एंड मैदे में एक बार मिक्स कीजिए एंड इसमें भर देना है। ये देखिए इसको मैंने भर दिया, कहीं से भी ये फटेगा नहीं ऐसी तरह से अगर आप ये भरे।
देखिए, एंड यहाँ पर थोड़े सूखे मैदे स्प्रेड कर दिया हूँ, एंड इसके ऊपर पहले की जैसे स्प्रेड करके इसको बेलूंगी मैं ताव के। एट फर्स्ट 2 to 3 minutes इसको अच्छे से हीट कर लिया हूँ, एंड इसमें दे देती हूँ थोड़े से बटर। बटर देकर थोड़े से ये स्प्रेड कर दिया हूँ, थोड़े से स्प्रेड हो गया है। अभी गैस को फ्लेम एकदम मीडियम रखा है, एंड इसको दे दीजिए। अभी दूसरे पीठ पलट दिया, धीमी आंच पर इसको सेके। 40 to 50 seconds के बाद आप देख सकते हैं ये हो गए हैं। ये कुलचे हमारे एकदम रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू निकल रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट। अभी मैं इसको प्लेट में रखती हूँ, एंड ऐसी तरह से मैं साड़ी जो है तैयार करके सर्व करूँगी। तो आज के स्पेशल डिश अमृतसरी आलू कुलचा एकदम रेडी है, एंड इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड हॉट। इसके ऊपर मैंने बटर देकर इसके गार्निश किया है, लेमन एंड कोरिएंडर ऑनियन से गार्निश किया है विद टोमेटो सॉस। आप चाहे तो छोले मसाला के साथ, आप राजमा मसाला के साथ आप खा सकते हैं। राजमा मसाला देखने के लिए मेरी चैनल में प्लीज़ विजिट कीजिए। तो ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। आई होप कि आप अच्छी कॉमेंट देंगे कि ये बहुत ही खाने में टेस्टी बनी है, बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट ये बनी है। तो इसके लिए आपको मेरी चैनल में विजिट करना पड़ेगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड ज़रूर ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।